जब आप गूगल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है कि क्या गूगल एक सर्च इंजन है? इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मेरा ये फोकस है कि अभी हम बात करें कि गूगल क्या सिर्फ एक सर्च इंजन है। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसको तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर गूगल सर्च की बात करें तो गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन रहना नहीं चाहता। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पर ये देखा होगा कि कैसे कैसे गूगल सर्च से बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। अगर हम सर्च इंजन की एग्जांपल लें, सर्च इंजन क्या होता है, एक सर्च इंजन का मकसद क्या है? अगर आप कुछ सर्च करेंगे एक सर्च इंजन के ऊपर तो आपको वो एक रिज़ल्ट ला के देगा, जो कि सर्च इंजन का काम है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सर्च किया, लेट्स सपोज कि मूवी का नाम सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको मूवी का रिज़ल्ट देगा। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट का नाम सर्च किया तो आपको रेस्टोरेंट का रिज़ल्ट देगा। इसी तरह से आप जो जो सर्च करते जाएंगे वो उस तरह से रिज़ल्ट देता जाएगा। लेकिन एक आंसर इंजन क्या करता है? एक आंसर इंजन को जवाब देना होता है, क्योंकि वो आंसर करना चाहता है और वो आंसर इंजन बनना चाहता है। तो आंसर इंजन में क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आंसर इंजन से आप सवाल कर सकते हैं, और ना सिर्फ वो उसको सर्च करेगा कि कहाँ कहाँ उसके जवाब पड़े हुए हैं, वो सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सर्च इंजन पर सर्च करें 2+2, तो वो आपको रिज़ल्ट आकर देगा कि 2+2 कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप एक आंसर इंजन से पूछेंगे 2+2, तो वो आपको ना सिर्फ ये बताएगा कि 2+2 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, बल्कि वो आपको उसका आंसर भी देगा, जो कि है 4। गूगल की कोशिश है कि वो आंसर इंजन बन जाए, और गूगल बहुत हद तक एक बहुत अच्छा आंसर इंजन बन भी चुका है, और उसका जो अमली नमूना है, जो उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, वो है गूगल असिस्टेंट। जब आप गूगल असिस्टेंट से कोई बात करते हैं, वो आपको उसका जवाब देता है। जब आप उसको कुछ सर्च करने को कहते हैं, वो आपको उसका रिज़ल्ट ला के देता है। तो ये होता कैसे है? ये गूगल में आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि कैसे डिफरेंट क्वेरीज के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो अंडरस्टैंड कर लें कि क्या गूगल एक सर्च इंजन है या गूगल एक आंसर इंजन है। ये अक्सर एक बहुत बड़ी बहस बन जाती है, लेकिन गूगल स्टार्ट तो एक सर्च इंजन के तौर पे हुआ था, लेकिन गूगल की अल्टीमेट कोशिश ये है, गूगल की इम्कान ये है कि वो एक बेहतरीन आंसर इंजन बनना चाहता है। और गूगल ये चाहता है कि एक वक्त ऐसा भी आए कि उसको आप पूछें भी कुछ ना, और वो फिर भी आपको उसका जवाब दे दे जो आपको उस वक्त चाहिए होगा। तो गूगल की पूरी कोशिश है कि वो उस वक्त उस तरफ जाए, लेकिन फ़िलहाल गूगल से अगर आप कोई सवाल पूछें, गूगल उसके जवाब आपको देता है। सो जब गूगल आपको उसके जवाब देता है, इसका मतलब ये हुआ कि गूगल एक सर्च इंजन नहीं रहा, गूगल बेसिकली एक आंसर इंजन है। तो अगर आप गूगल को सिर्फ सर्च इंजन कहें तो गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप गूगल को सर्च इंजन और आंसर इंजन कहें तो दोनों जवाब ठीक हो सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि गूगल कैसे किस डिफरेंट क्यूरीज के ऊपर किस तरह से अपना रिजल्ट बदलता है, और उसको कैसे वो दिखाता है, क्योंकि उसको शायद लगता है कि मैं कुछ और सर्च कर रहा हूँ और हमें कुछ और देखना चाहिए। लेट्स सी। सबसे पहले मैं 2+2 टाइप करूँगा और देखेंगे उसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो google.com पे जाएंगे और 2+2 लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो आपको 2+2 का रिज़ल्ट मिलेगा, और वो रिज़ल्ट क्या है, 4। सो गूगल बजाय इसके कि उसको सर्च करता एज अ सर्च इंजन, उसने उसको आंसर दिया है एज एन आंसर इंजन। तो गूगल ने 2+2 का ना सिर्फ रिज़ल्ट दिया मुझे, जो कि 4 है, उसने मुझे कैलकुलेटर भी खोल दिया है, जिसके मुताबिक मैं अगर क्वेरी चेंज करना चाहूँ, मैं कैलकुलेशन चेंज करना चाहूँ, तो मैं इसको प्रेस करके मैं डिफरेंट कैलकुलेशन इसी के ऊपर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल को लगता ही है कि मैं शायद कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं कोई हिसाब किताब कर रहा हूँ, और उस हिसाब किताब के लिए शायद मुझे कैलकुलेटर खोलना पड़े। तो गूगल नहीं चाहता कि मैं उसकी वेबसाइट छोड़ के कहीं और जाऊँ, तो वो चाहता है कि मैं इसकी वेबसाइट पर रहते हुए ही वो उस अपने सवाल का जवाब ढूंढ लूँ। और ये सिर्फ 2+2 तो बहुत बुनियादी सा एक सिंपल सा कैलकुलेशन थी। अगर आप इस पर कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज लिखें, मतलब कि अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशंस भी लिखें, तो गूगल बहुत सारी इक्वेशंस को सपोर्ट भी करता है। चले आगे देखते हैं कि गूगल अगर एक और क्यूरी अगर हम चेंज करें तो गूगल उसको कैसे चेंज करता है। मैं अब सर्च करूँगा करेंसी एक्सचेंज के रेट्स क्या हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये देखना है कि USD, जो कि US डॉलर से अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्जन चाहता हूँ, मैं गूगल पे जाके सर्च करूँगा USD टू PKR, जो कि USD US डॉलर का करेंसी का साइन है और PKR पाकिस्तानी रुपीज़ की करेंसी का साइन है। जब मैं ये दोनों लिख कर मैं एंटर करूँगा,
तो बजाय इसके कि गूगल मुझे सर्च करके दे कि यूएसडी टू पीकेआर की कितनी वेबसाइट्स हैं, गूगल मुझे आंसर दे रहा है और वो आंसर क्या है कि एक डॉलर जो है वो इस वक्त 128 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ का है। ये गूगल ने ना सिर्फ मुझे आंसर दिया बल्कि गूगल मुझे साथ ही एक ग्राफ शो कर रहा है, उस ग्राफ के तहत मुझे वो ट्रेंड बता रहा है कि कितना करेंसी में फ्लक्चुएशन आ रही है पूरे एक महीने में, कब ऊपर गया रेट और कब नीचे आया। और ये ट्रेंड जो है, मैं इसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहूँ, मैं मज़ीद ज़्यादा लंबे अरसे तक ट्रेंड देखना चाहूँ, तो मैं एक साल, पाँच साल या मैक्सिमम जितना ट्रेंड गूगल के पास अवेलेबल है वो मुझे सारा ट्रेंड दिखाएगा। ये एक और एग्जांपल है जहाँ पर गूगल ने ना सिर्फ मुझे आंसर दिया बल्कि उसने मुझे नीचे सर्चिज़ भी दी। तो अगर आप इसी रिज़ल्ट को स्क्रोल करें और नीचे जाके देखें तो वो बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स भी दिखा रहा है, यहाँ तक कि वो मुझे इस वक्त ट्विटर के ऊपर रिजल्ट्स भी दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गूगल ने सिर्फ सर्च नहीं किया, गूगल ने बल्कि उसका आंसर भी किया। अब ये और क्वेरी मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फिल्में देखते हैं या ड्रामे देखते हैं और आपके कोई पसंदीदा एक्टर्स हैं तो आप उनको सर्च करें तो क्वेरी थोड़ी सी बदल जाती है और नीचे लेआउट गूगल के सर्च का बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर सर्च करूँ फवाद खान, जो कि पाकिस्तान में एक मशहूर एक्टर हैं, अगर मैं उनका फवाद खान का नाम सर्च करूं तो गूगल जब मुझे रिज़ल्ट दिखाता है तो वो फवाद खान का ना सिर्फ विकिपीडिया का रिज़ल्ट दिखाता है बल्कि राइट साइड पे अगर आप देखें तो उसकी तस्वीरें, उसका बायोडाटा, और अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो उसमें वो मुझे उनकी बर्थ डेट, उनकी हाइट, उनकी बेगम का नाम और उनकी एजुकेशन और साथ ही उन्होंने किन मूवीज़ में काम किया है वो सब इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अब ये चूँकि क्यूरी मेरी बदल गई, गूगल ने ना सिर्फ मुझे सर्च करके दिया, गूगल मुझे चाहता है कि मैं उनकी मज़ीद डिटेल्स भी पढूं, वो ये भी देख रहा है कि हो सकता है अगर मैंने फवाद खान सर्च किया है तो मैं शायद दूसरे भी एक्टर्स को सर्च करूं, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वो दूसरे एक्टर्स को भी सजेशंस में दिखा रहा है। इसके बाद अगर मैं किसी जगह का नाम सर्च करूँ पाकिस्तान में या कहीं पर भी तो गूगल उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं K2 सर्च करूँ तो K2 की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी बाकी चीज़ों से। अब K2 के बारे में मुझे गूगल क्या बताता है, वो ना सिर्फ विकिपीडिया का रिज़ल्ट दिखा रहा है बल्कि वो मुझे वीडियोस दिखा रहा है जो कि पहले उसने नहीं दिखाई किसी और रिज़ल्ट में। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो गूगल मुझे K2 की हाइट बता रहा है, उसके पहली दफ़ा किसने उसको सर किया, उसकी खासियत क्या है, कहाँ पर वाकया है, उसका मैप कहाँ पर है, उसकी तस्वीरें, और वो ये भी बताता है कि अगर आप K2 सर्च कर रहे हैं तो मे बी आप साथ नांगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट या दूसरी पहाड़ियां भी सर्च करना चाहेंगे। स्टूडेंट जैसे हम क्वेरी चेंज कर रहे हैं उस तरह से गूगल अपने रिजल्ट्स भी चेंज कर रहा है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गूगल सिर्फ इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं करता, गूगल फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी एग्जैक्टली शो करता है। मिसाल लेते हैं कि आइफिल टावर जो कि पेरिस में एक टावर है, अगर आप उसको हाइट जानना चाहते हैं और मैं लिखूं आइफल टावर हाइट या हाइट ऑफ आइफल टावर तो गूगल मुझे एग्जैक्ट उसकी हाइट यहीं पर बता देगा, बजाय इसके कि मुझे कहीं और विकिपीडिया पे या किसी और वेबसाइट पे लेकर जाए जहां से मैं उसकी हाइट पढ़ सकूं। गूगल समझता है कि मेरा सवाल एक बड़ा सिंपल सा है कि मैं आइफल टावर की हाइट जानना चाहता हूं, तो उसने कहा कि बजाय इसके कि वो मुझे कहीं और भेजे वो खुद ही उसका आंसर देना चाहता है। जैसे ही मैंने आइफल टावर सर्च किया गूगल ने मुझे उसकी हाइट बताई जो कि 300 मीटर है, और उसने साथ ये भी बताया कि अगर आप उसकी टिप तक, यानी सबसे ऊपर ऊंचा पॉइंट है जहां तक उसकी वो टिप जाती है, अगर वहां तक आप कैलकुलेट करें तो 324 मीटर्स उसकी हाइट है। साथ ही मुझे सजेशन देता है कि अगर आपने आइफिल टावर की हाइट पूछी है तो शायद आप बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो कि न्यूयॉर्क में है, इस तरह की आप डिफरेंट बिल्डिंग्स की भी हाइट जानना चाहते होंगे। राइट साइड पर वो मुझे उसकी आइफिल टावर की तस्वीर दिखा रहा है, उसका मैप की लोकेशन दिखा रहा है, अगर मैं मैप्स पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे उसके गूगल मैप्स के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर मैं उसकी लोकेशन देख सकूँगा। तो ये वो डिफरेंट तरीके हैं जैसे गूगल अपनी डिफरेंट क्यूरीज के साथ ना सिर्फ आपको सर्च रिजल्ट्स दिखाता है बल्कि वो आपको आंसर्स भी देता है। तो इससे ये साबित हो सकता है कि गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, गूगल एक आंसर इंजन है और गूगल मज़ीद कोशिशें कर रहा है कि वो इस आंसर इंजन में बेहतरी लाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करते हुए आपको वो आंसर प्रोड्यूस करें। तो इससे ये साबित होता है कि गूगल ना सिर्फ
सर्च इंजन बनना चाहता है, बल्कि गूगल एक आंसर इंजन है और गूगल की कोशिश है कि वो मज़ीद इसमें बेहतरी लाए और दिन ब दिन वो इसको बेहतर कर भी रहा है।